हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप लोग को पता है कि हम लोग फिर से पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को लगाया जाए और कैसे आंसर पे, करेक्ट आंसर पे अराइव किया जाए। तो हमने आपने अगर पिछले सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें पहली चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो होती है कॉमन सेंस, सेकेंड होती है आपका जो आपका ऑलरेडी नॉलेज है, अ बेयर मिनिमम नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स बाय रीडिंग एनसीईआरटीज, बाय रीडिंग अदर टेक्स्ट बुक्स। सो हमने पहले क्वेश्चंस देख लिए थे। एक चीज मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन दे दूं, इन द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जनरली दिस एलिमिनेशन मेथड जो अप्लाई करते हैं इट वर्क्स लेस इफेक्टिवली। आई एम नॉट सेइंग दैट इट डज नॉट वर्क एट ऑल, बट द एफिशिएंसी ऑफ एलिमिनेशन एंड लॉजिकल मेथड एज इन हिस्ट्री फैक्ट्स कम इन टू प्ले, सो इट बिकम्स अ बिट हार्डर इफ वी कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्सो अ बिट इन एनवायरमेंट। यू कैन सी द एफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक एंड लॉजिकल मेथड इज मोर। So we will start with question number 59. With reference to Indian history, consider the following statements. First statement is, the Dutch established their factories oblique warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers or Gahapati rulers. Second statement is, Alfonso the Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. We don't have much information about this. Let's assume. Third, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagara Empire. Now, we will do a kind of analysis जिसमें हम देखेंगे कि किसका permutation combination या probability अगर देखी जाए तो कौन कौन से statement की ज़्यादा है सही होने की। English East India Company ने अगर मद्रास में factory लगाई है तो Vijayanagara Empire का उसे लेना देना हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट का सही होना जो है, थर्ड स्टेटमेंट का सही होना इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अल्बिक्यूरिक्यू ने बीजापुर से लिया, ये हमें पता है। अल्बिक्यूरिक्यू वाज अ प्रोमिनेंट फिगर अलोंग विद अल्मीडिया इन एस्टेब्लिशिंग द पावर ऑफ पोर्तुगीज, तो ये इसके भी चांसेस हैं। अब अगर इसमें आप देखें, डच एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ये फैक्ट्री बना दिया, लेकिन गहपति रूलर या गजापति रूलर्स, द टाइम पीरियड ऑफ गजापति रूलर्स इज नोवेयर नियर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज फैक्ट्रीज। दे वर रूलिंग अराउंड 13-14 सेंचुरी एंड द फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन द 15-16 सेंचुरी। सो ये टाइम पीरियड ही बिल्कुल अलग है, टाइम पीरियड ही बेकार है। इसीलिए इन द कंपाइलेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड, आई हैव गिवन एट वेरियस प्लेसेस टाइम लाइन और समथिंग लाइक दिस, मैप्स कि गुप्ताज में कौन सा किंगडम था, क्या है, एनसीईआरटीज में यू विल फाइंड टाइम लाइन्स, एंड दैट इज वाई हैविंग अ पिक्चर ऑफ टाइम लाइन इन द हिस्ट्री इज वेरी वेरी यूजफुल। स्ट्रेट अवे दे मे नॉट आस्क यू, बट इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मेनी ऑफ द क्वेश्चन। सो द आंसर इज बी, द वनली थिंग विच यू नीडेड टू नो वॉज दैट गजापति रूलर्स वर नॉट the contemporary of advent of Europeans. Now we will see the 60th question. According to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? Now, nobody is going to read Kautilya's Arthashastra. It is not expected from you. You are expected to know the social milieu of that time and to understand based on that कि उसकी सोशल कंडीशन उस टाइम के टाइम पीरियड की क्या थी, और उसके बेसिस पे यू हैव टू सी कि ये स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या नहीं। तो ये तो प्योर कॉमन सेंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल बैकग्राउंड ऑफ दैट टाइम, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। द कौटिल्यास अर्थशास्त्र, वी सी द टाइम पीरियड ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र, इट इज पॉसिबल that a person could be slave at that point of time. उस समय स्लेव होना तो एक मतलब कॉमन चीज रहती, तो हो सकता है अर्थशास्त्र में भी ये लिखा हो। इसके सही होने के जो चांसेस हैं, इट इज ह्यूज। सेकेंड स्टेटमेंट इज,
इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन सी वॉज लीगली फ्री. ओके, सो द सेकेंड स्टेटमेंट हम होल्ड पे रखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाई हर मास्टर द सन वॉज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन. अगर उसका उनको अगर बच्चा हो जाता है, सन हो जाता है, तो उनको लीगल स्टेटस मिल जाएगा मास्टर्स के सन का. जब इतना स्टेटस मिल जाएगा तो ये भी संभव है कि वो लीगली फ्री भी हो जाए. तभी तो उसको एक एक स्टेटस मिल रहा है जो मास्टर के सन का. तो ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो गए, अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, और वन ओनली कोई ऑप्शन में है नहीं. तो डी ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट होगा. आप खुद सोचिए, देखिए अगर स्लेव को अगर बेटा हुआ तो मास्टर के सन के बराबर अगर लीगल अथॉरिटी लेता है तो स्लेव भी फ्री हो जाएगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू सम अदर क्वेश्चंस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 61. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू अ कैपिटल फ्लाइट. नहीं पता, इट्स अ वेरी हार्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अप्लाई इन द एग्जाम एनवायरमेंट, विल टेक टाइम, बट डोंट वरी. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरनेट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. अगेन अ टफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी. बट थर्ड, डिवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. नाउ ईसीबी एज द नेम सजेस्ट आर डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी. तभी तो नाम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है. तभी तो मसाला बॉन्ड वगैरह ये सब चीज़ें आ रही थी, मसाला बॉन्ड, रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स. ठीक है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का तो रुपी से आपका डोमेस्टिक करेंसी से लेना देना ही नहीं है. तो ये थर्ड तो रॉन्ग हो गया. सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता तो बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, एंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो इतने भारी भारी कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं. इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 63. Consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. Credit rating agency RBI regulate करता है. क्या क्या RBI करे? Credit rating agency को भी regulate करेगा, inflation control भी करेगा, इतने सारे bankers bank भी है, बहुत सारे banking को regulate कर रहा है. How it is possible that सब कुछ RBI करेगा? There is also another organization named SEBI. तो SEBI क्या करेगा? इधर एक money market regulate कर रहा है और उधर जो मनी मार्केट के अलावा जो पूरा मार्केट है, शेयर मार्केट ये है वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी करता है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट नो, बट यूपीएससी विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू लर्न दिस. द रेटिंग एजेंसी पब्लिकली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ब्लडी आउट ऑफ सिलेबस. द थर्ड स्टेटमेंट, ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट एजेंसी. हु द हेल वॉन्ट्स टू you are becoming a bureaucrat and they are expecting you to learn this. They are expecting you to know Indian credit rating agencies are not regulated by RBI. So always focus on grabbing the basics. आप PYQ देखिए, आप ये याद करने लग जाओगे कि कितने सारे, कौन सा credit rating agency इंडिया की, कौन सी अमेरिका की, कौन सी इंग्लैंड की है. ये अगर आप करने लग गए PYQ को देख कर, तो your time will be wasted and you will not understand कि यूपीएससी खोज क्या रहा है. फिर आपका 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं होगा. तो 63 का जो आंसर है वो बी है. 64th क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. अब ये देखिए ना, बैंक बोर्ड ब्यूरो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ PYQ. PYQ में बैंक बोर्ड ब्यूरो इतनी बार आया है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. तो इतना आपको एक्सपेक्ट होना चाहिए कि कौन इसको हेड करता है. कि पहले भी 19 या 18 में क्वेश्चन बैंक बोर्ड ब्यूरो से डायरेक्ट आया, और उसके बाद भी आया क्वेश्चन बैंक बोर्ड ब्यूरो से. सो द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो, एंड देन यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर. Recommends for the selection of heads of the public sector banks. ये तो यही question तो आया था. So if you would have solved PYQ, you would know that this second statement is correct. Bank Board Bureau helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. Yeah, it is possible. This convertible bond question is tough. Economy का ये question tough है. तो ये आता है तो आता है, वरना नहीं आता. ठीक है, क्योंकि
हाउ वुड यू नो दैट कन्वर्टिबल बॉन्ड, पहले तो आपको पता नहीं होगा. डिबेंचर्स होते हैं उसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है कि यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज इट इनटू इक्विटी. ठीक है, जब ये ऑप्शन आपको दे रहा है तो उसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड इंडेक्सेशन भी एक तरीके का आपको मिल जाता है. खैर वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं. 16th क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. MTCR हम पार्ट हुए थे, ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर का पहले रेंज था, उसको बढ़ा दिया गया. ठीक है, MTCR का वो था कि 300 किलोमीटर या समथिंग का कुछ कैप था उनका, इस वजह से ब्रह्मोस का हम जो अपना जो रेंज है उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे. SCO तो एवरीबडी नोज दैट SCO में इंडिया है. ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मेंबर की बात छोड़िए सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. मेंबर की बात छोड़िए, चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. तो ये 66 का तो तीनों सही था, इट वाज अ इजी क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द 67 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स. यस, वी ऑल नो. ठीक है, वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने अगर पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है तो यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग बैटल जीते थे और आपको पता होगा कि कितना वियतनाम क्राइसिस हुआ था. USA केम और फिर क्राइसिस हुआ, फिर जहाँ भी कम्युनिस्ट होता है उधर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, थर्ड इज वियतनाम इकोनॉमी ग्रोथ इज लिंक टू द इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स. किसी भी कंट्री का ग्रोथ तो ये तो बेसिक्स है ना. अगर आप इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द सप्लाई चेन ऑफ अदर कंट्रीज, विद द supply chain of the world, if you are not export oriented you may not become fast developing country. तो ये तो सही होगा ही. For a long time Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Yes, in fact China has also grown because of that, because the labor cost कम है. India में भी जो IT sector में jobs है, service sector में jobs, it is because low labor cost. और एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट उतना होता नहीं, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगा. एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है तो फिर जो यूरोपियन कंपनीज है, अमेरिकन कंपनीज है, दे विल नॉट इन्वेस्ट. तो ये भी लॉजिकल है. वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ये तो दिस इज अ ओवर स्टेटमेंट. इंडो पैसिफिक में वी हैव सो मैनी कंट्रीज, यू वुड बी नोइंग अबाउट. आपने देखा होगा कि इधर सेमीकंडक्टर में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो कम्पीट करती हैं, और आपने भी देखा होगा वन चाइना पॉलिसी के कारण जो इशू क्रिएट हो रहा है. तो आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये वियतनाम ही इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ये डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है. बट अगर आप इतना पता होता कि वियतनाम में जो है मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से ए स्टेटमेंट आपका चला जाता, डी चला जाता, और ये तीनों तो लॉजिकल लग ही रहे थे. यू वुड हैव अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर सी. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, RBI का काम है ये, तो दिस इज द फुल टॉस को आपको खेलना है. These two questions are not really solvable with elimination method. You need to know. Now, question number 71. In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing workers? ठीक है, factories, industrial disputes, these are keywords. The first option is CSO. तो आप अगर आप ध्यान रखो तो इन्फ्लेशन का जो CPI लेबर होता वो भी नहीं निकालता, क्योंकि लेबर से CSO का लेना देना उतना होता नहीं है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका कोई लेबर से लेना देना है नहीं. लेबर ब्यूरो, CPI लेबर भी यही निकालता है, लेबर से डायरेक्ट इसका कोरिलेशन है जितनी भी चीज़ें आ रही है. नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एब्सर्ड, इसको तो आप देखते ही काट दो. इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, दिस इज द कीवर्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज CCO इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉसिबल. इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, पॉसिबल. इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू
acquisitions of coal bearing areas. That's what a controller organization in any field does. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed times. This is not which any controller organization will do. कि सप्लाई हो रहा है कि नहीं, एंड टू एंड टाइम पे हो रहा है कि नहीं. बिजनेस डील्स करना किसी भी कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता. कॉमन सेंस अप्लाई करो, ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है. जैसे ही आप इस फोर्थ स्टेटमेंट को रॉन्ग करोगे तो आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे और फिर आपके पास जो 50-50 बचेगा, ये आप गया, ये भी गया. ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आपके, दो ऑप्शंस आपको बचेंगे जिसमें कि आपको चूज करना होगा. रेस्ट क्वेश्चंस में अनदर वीडियो में इसका एनालिसिस करेंगे ताकि बड़ी वीडियो ना हो. थैंक यू सो मच.